त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में चुनाव ड्यूटी में लगे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिलाधिकारी के विजय पांडियन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी द्वारा ब्रीफ किया गया। इस मौके पर चुनाव के ऑब्जर्वर पुलिस अधीक्षक नगर, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक अपराध व लाइन, पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक उत्तरी, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ब्रीफिंग के दौरान डीएम एवं एसएसपी ने पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के टिप्स दिए। कहा कि मतदान कर्मियों को कोई समस्या नहीं होगी, मतदान केंद्रों पर समुचित व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडियन ने कहा, ठीक है, हमें बताया गया उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये फ्रंट में भी उनके पास है, केवल मिस्त्री लोग रहे। ये जो हमारे पुलिस के कर्मी को प्रेषित की गई है, जो यहाँ के पार्टी प्रभारी आए हैं, अच्छा कमांडेंट साहब है, सीआरपीएफ के, इस समय माहौल है कोविड का, उसमें 1669 मतदान केंद्र सामान्य है। सभी मतदान केंद्रों को 266 सेक्टर व 23 जोन में विभाजित किया गया है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ दो डंडे से होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी में ही बैठेंगे। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहबान होमगार्ड्स को ब्रीफिंग के बाद उनको अपने पास ले लें और अपने ही वाहन में उनको अपने साथ रखेंगे। सभी जोनल मजिस्ट्रेट साहबान के साथ एक जोनल पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक रैंक हैं उनको तैनात किया गया है। उनके साथ दो सशस्त्र आरक्षी गण और एक डंडे से होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। जो भ्रमण करेंगे, जहां भी जाएंगे दोनों अधिकारी साथ साथ रहेंगे, आपस में अभी ब्रीफिंग के बाद परिचय भी कर लेंगे। सामान्य जो एक न्यूनतम दो अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों के चार व चंदनशील व संवेदनशील मतदान केंद्रों में के बूथ पर 0.5 सेक्शन में सिविल पुलिस बल, होमगार्ड, पीएसी व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। सहयोग है तो आए हुए अर्ध सैनिक बलों के अधिकारीगण, होमगार्ड्स के जवान हैं, पीआरडी के जवान हैं, माना जाता है, इसलिए कि छोटे छोटे लेवल पे इसका स्टेक्स इन्वॉल्व है। ब्लॉक को हेडक्वार्टर के रूप में मानते हुए चुनाव होने जा रहा है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 20 जगह से बक्से बटेंगे, बाकी चुनाव में जिले के हेडक्वार्टर से ईवीएम मशीन लेके चला जाया जाता है, बट यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे, विकास खंड लेवल पे आपकी बैलेट बॉक्स लेके जाएंगे। इसमें बहुत सारे लोग होंगे, 15 के बाद भर्ती होंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के चुनाव बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होगा। आप लोग खुद भी कहीं अपने गांव में देखे होंगे बैलेट बॉक्स में, जो चुनाव में पहले दो चरणों में हुआ है, अब एक ही चरण में चार पदों के लिए होने जा रहा है, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो जिसके चलते सेंसिटिविटी भी रहती है। तो बैलेट बॉक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भी पानी या स्याही, इंक, उसमें अपने कपड़ों में छिपा के ले जाके उसमें डाल सकते हैं। सभी लोग सुन रहे हैं जी? जो सिपाही, जो होमगार्ड, जो महिला कांस्टेबल, जो ऑक्सिलरी फोर्स चौकीदार, जो भी लगेंगे बूथ ड्यूटी पे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई जो बंदा वोट डालने जा रहा है वो पानी के बॉटल तो नहीं छुपा के जा रहा है,
सिहाई की सीसी तो नहीं छुपा के ले जा रहा है, वरना आपका पूरा मेहनत लास्ट 2-3 घंटे में खराब हो जाएगा। पता चला वहाँ जब मैं बक्सा खोले ही उसमें सिहाई पड़ा है, लास्ट तक हमको पता ही नहीं चला, तो ये बड़ा गंभीर मामला हो जाता, हमारा सारा पूरा प्रक्रिया मजाक उड़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो पोलिंग सेंटर में, पोलिंग ड्यूटी में, पोलिंग बूथ में लगे हुए जो बल है उसको एक्स्ट्रा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि कोई भी अपने कोई ऐसे सामान छुपा के अंदर लेके ना जावे जिससे कि आपके बैलेट पेपर डैमेज हो सके। उसे हम लोग को थोड़ा आसानी रहता, भले एक चुनाव प्रक्रिया पूरा 1 महीने डेले बार प्रधान चुनाव हो रहा है, इतने व्यापक लेवल पे बड़े स्केल पे, ताकि इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिए, इस समय में कोविड भी बढ़ रही है और बोर्ड एग्जाम्स भी नज़दीक आने वाले हैं, इसलिए शासन ने भी उसको सहमति बताया, उसी के हिसाब से एक ही दिन में चुनाव एक ही जनपद का समापन होना है, समाप्त होना है। गोरखपुर का मैं बताना चाहता हूँ, प्रयागराज के बाद सबसे ज़्यादा वोटर गोरखपुर का है, प्रदेश में 75 जनपद में हमारा तकरीबन 30 लाख वोटर है, 15 तारीख को यानी परसों वोट देंगे। सबसे ज़्यादा बूथ संख्या, सबसे ज़्यादा केंद्र का संख्या भी प्रयागराज के बाद हम लोग के ज़्यादा है, 4,637 बूथ है यहाँ, 1,885 सेंटर्स है यहाँ, उतने जगह अप्लाई करना है, उतने के हिसाब से हम लोग मैन पावर भी ट्रेन किए हैं। हर जगह आप जानते हैं हर बूथ में 3-4 पार्टीज रहती है जो अंदर मतदान करने के लिए, पीठासीन अधिकारी होते हैं, उसके नीचे मतदान कर्मी होते हैं एक दो, उसके बाद एक फोर्थ क्लास होते हैं। और इस बार नंबर्स इसलिए बढ़ गया है ताकि मैनुअल वोटिंग होता है, ईवीएम मशीन नहीं है, मैनुअल वोटिंग है, इसलिए कागज में ही वोट देना होता है। एक वोटर का 4 वोट देनी होती है, एक तो ग्राम प्रधान तो है ही है, उसके अलावा ग्राम पंचायत का सदस्य का है और BTC सदस्य कहते हैं, क्षेत्र पंचायत का सदस्य का है और जिला पंचायत का सदस्य का है। एक 4 मतपत्र उनको दे दी जाएगी, एक ही पेटी में वो 4 मतपत्र का चिन्ह के हिसाब से अपने मनपसंद व्यक्ति के हिसाब से वो मैनुअली यानी मोहर लगाएगा, आदमी जा करके 4 वोट का मोहर लग करके डालने में उनका समय भी ज़्यादा लगता है, इसलिए एक एक बूथ में ज़्यादा से ज़्यादा 800 वोटर ही होंगे। देखिए वैसे आप जानते हैं कल हमारा पार्टी रवानगी हो रही है, फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन है, 15 तारीख का चुनाव है यहाँ, 30 लाख मतदाता लोग जो मतदान देंगे 30 तारीख को, उसी का आज ब्रीफिंग रखा है, खासतौर पे फोर्स का हम लोग ब्रीफिंग किए हैं, पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिला है, 2 कंपनी का हम लोग का CPF फोर्स भी मिला है, चप्पे चप्पे में फोर्स रहेगा। हम पहले से जो हिस्ट्री शीटर्स है खुराफाती एलिमेंट उनको आइडेंटिफाई करके यदि जेल भेज दिए हैं, नहीं तो उनका कुछ कार्रवाई करा के हम लोग जिला बदर कर रखा है, इसलिए शांतिपूर्वक चुनाव रहेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ सब लोग बिना भय आ करके वोट दीजिए, कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करिए, ज़रूर मास्क पहन के आइए वोट देने के लिए, 2 गज का दूरी ज़रूर याद में रखिए। सर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा मतदान स्थल है ये, सर कितना सर इसमें संवेदनशील है? हाँ देखिए आप सही कहा है, प्रयागराज के बाद सबसे ज़्यादा मतदाता यहाँ है, बूथ भी यहाँ है, 4,657 बूथ हैं यहाँ, 1,885 हमारा सेंटर्स बनी हुई है, 30 लाख मतदान कर्मी लोग हैं, मतलब मतदाता लोग हैं, तकरीबन 25,000 मतदान कर्मी लगी हुई है और फोर्स तो देख ही रहे हैं हम लोग, तो पर्याप्त मात्रा में 15,000 फोर्स तो लगे हुए हैं, उसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट इत्यादि है, पूरा मशीनरी इस पर लगी हुई है और उम्मीद है हम लोग व्यवस्था अच्छा से कराएँ, ट्रेनिंग भी अच्छा से कराएँ, चुनाव भी शांतिपूर्वक रहेगा।